आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी। उसके लिए मैंने लिया है टेंडली। ये देखिए इस तरह से है टेंडली। ये टेंडली को मैंने कट कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में। और ये है तूर फल्ली के दाने, ठीक है। और ये लाल मिर्ची का पूरा ये है चटनी है। इसमें लहसुन है, ज़ीरा है और ऐसी ये लाल मिर्ची है। इसको मैंने पूरा पीस लिया है, उसका चटनी है। और एक चम्मच हल्दी पाउडर है और हरा धनिया कटा हुआ। तो आइए सबसे पहले हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन रेसिपी को बनाने के पहले सबसे पहले हमें जो ये दाने हैं तूर फल्ली के, ये दाने हमें थोड़ा इसको भून लेना है। ये देखिए एक पैन में मैंने ये तूर फल्ली के दाने डाल दिए हैं और इसको अच्छी तरह से हम रोस्ट कर लेंगे, थोड़ा भून लेंगे बिना ऑयल के। और फिर इसमें इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से थोड़ा सा, ठीक है। और देखिए एक बात, ये जो ठेसा मैंने बनाया है, चटनी बनाई है, ये पूरा कच्चा है। इसमें लाल मिर्ची है ऐसी कच्ची, एक कांदा है और ज़ीरा है और 5-7 लहसुन की कलियाँ है। और ऐसी मिर्ची मैंने 7-8 मिर्ची इसमें ग्राइंड की है, ठीक है। तो चलिए हम रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए इन तो देखिए दानों का कच्चापन निकल चुका है। अभी हम इसको निकाल लेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये यही मिक्सी जा रहे हैं जिसमें मैंने ये चटनी इसमें निकाली थी, अभी ग्राइंड की थी। अभी इसमें ना हम वो सब दाने डाल देंगे और इसको भी ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है। एक पैन में मैंने तेल गरम करने के लिए छोड़ दिया है, तब तक हम हमारे दाने ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, दानों को मैंने हल्का सा एकदम दरदरा पीस लिया है और इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए हम हमारे रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो पैन में तेल डाला था हमने, वो भी गर्म हो चुका है लगभग। अभी हम इसमें सबसे पहले हमारी है ना ये चटनी है, ये ऐड करेंगे तेल में। ये देखिए फ्रेंड्स, तेल में मैंने पूरी चटनी डाल दी है। इसको अच्छी तरीके से हम इसको फ्राई करेंगे, इसका पूरा कच्चापन हम निकाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, चटनी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। अभी हम इसमें डालेंगे हमारी जो हल्दी है, हम उसमें डाल देंगे। हल्दी मैंने डाल दी है, इसको अभी पूरा हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हल्दी को भी अच्छे से इसमें फ्राई कर लेंगे। ठीक है, देखिए कितना अच्छा कलर दिख रहा है, स्मेल भी बहुत अच्छा आ रहा है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारी टेंडली है, जो हमने काट के रखे है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, टेंडली को मैंने ऐड कर दिया है। अभी इसको अच्छी तरीके से हम घुमाएंगे और इसमें हम एक चम्मच नमक ऐड कर देंगे सबसे पहले। और नमक डालने के बाद जो हमारे हमने जो दाने ग्राइंड करके रखे हैं इसको भी डाल देंगे। और हरा धनिया हम एंड में इसको डालेंगे, जब हमारी सब्ज़ी पक जाएंगी तब हम इसको हरा धनिया को डाल देंगे। देखिए इसको अच्छे तरीके से चला रहे हैं, अच्छे से उसको चटनी के साथ मिक्स होना है। पैन में मैंने नमक डाल दिया है, अभी नमक को भी हम अच्छे से सब्जी में मिक्स करना है। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है सब्जी, एकदम सिंपल है, सादी है, कोई टेंशन नहीं बनाने में। जो घर में अवेलेबल होता है उसमें ही बन जाती है, सुपर टेस्टी और सुपर हेल्दी। तो देखिए बहुत अच्छी सब्ज़ी बनने वाली है हमारी, खाने में भी टेस्टी लगेगी और हेल्दी भी बहुत है। तो देखिए अभी हमने इसमें नमक पूरा मिक्स कर लिया है। अभी हम ऊपर से इसमें ना दाने डाल देंगे, दाने का जो हमने ग्राइंड कर लिया ना तूर फल्ली के दाने, वो हम इसमें डाल देंगे अभी। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये तूर फल्ली के दाने इसमें ऐड कर लिया है। तो देखिए इसको भी चला लेना है अच्छे से। देखिए इसको भी हम अच्छे तरीके से घुमा लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे पकने के लिए, ठीक है।
तो चलिए हम इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लेते हैं। तो मिक्सी में हमने जो चटनी ग्राइंड की थी, दाने ग्राइंड कर किए थे, वही उसमें मिक्सी में थोड़ा पानी डाल के उसको अच्छी तरह से घुमा के उसमें का सब निकाल के वही पानी हम इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड, जो ही मिक्सी में मैंने चटनी पीसी थी और दाने ग्राइंड किए थे उसमें थोड़ा पानी डाल के मैंने पूरा पोंछ लिया है, इसको साफ़ कर लिया है, यही पानी मैं अभी सब्ज़ी में डाल दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने पूरा वो पानी डाल दिया है मिक्सी में का, अभी इसको हम पहले चला लेंगे अच्छे से और इसको ढक के 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे सब्ज़ी पकने के लिए। 10 मिनट तक हम इसको पकने देंगे अच्छे से, फिर बाद में और चेक करके देखेंगे हमारी सब्ज़ी पकी क्या है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम एक ढक्कन से ढक देते हैं 10 मिनट के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे 10 मिनट हो चुके हैं, आगे अभी हम क्या करते हैं, हमारी सब्ज़ी को एक बार देखते हैं पके कि नहीं, तो हम इसका ढक्कन निकाल लेंगे, सब्ज़ी को देखेंगे, चेक करेंगे सब्ज़ी पकी या नहीं। ठीक है, देखो पानी सब सूख गया है सब्ज़ी में का, सूखी सूखी हो गई है, ये देखिए कितनी अच्छी दिख रही है। तो देखिए ज़रा हम चेक करके देखते हैं, हमारी सब्ज़ी अभी भी पकना बाकी है, ये देखिए बिल्कुल पकी नहीं है, थोड़ा बाकी है, कच्चापन है अभी भी। तो अभी हम इसको और थोड़ा इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए और। ये देखिए सब्ज़ी 5 मिनट पकने तक हम क्या करेंगे, ये गीला नारियल है, गीला नारियल का टुकड़ा मैंने ले लिया है, इससे हम थोड़ा इसको ग्रेट कर लेंगे और ये ग्रेट किया हुआ गीला खोपरा नारियल हम सब्ज़ी में डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जो गीला खोपरा लिया था उसको मैंने ग्रेट करके लिया है, अभी ये ग्रेट किया हुआ खोपरा हम सब्ज़ी में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हमारी सब्ज़ी की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी सब्ज़ी पकी या नहीं। ऑलमोस्ट हमारी सब्ज़ी पकने को आई है, तो ठीक है देखिए इसको हम एक बार चला लेंगे अच्छे से और इसमें हम वो गीला खोपरा इसमें नारियल ऐड कर देंगे। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये जो गीला खोपरा था पूरा ऐड कर लिया है इसमें, अभी इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे सब्ज़ी में। इसको अच्छे से चलाना है और एक बार अभी ये खोपरा मिक्स हो गया तो और इसको 5 मिनट के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए, अभी हम हमारी सब्ज़ी को वापस से एक बार चेक करेंगे। देखिए हमारी सब्ज़ी पूरी पकने को आ गई, अभी ऑलमोस्ट पक चुकी है, देखिए कितने सुंदर दिख रही है, देखिए हेल्दी दिख रही है, टेस्टी भी लग रही है, सच में बहुत बढ़िया। बस हमको अभी क्या करना है, फटाफट इसको अभी गैस को बंद कर देना है और एक 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के इसको छोड़ देना है, ताकि बचा कुचा जो रहता है कच्चापन वो स्टीम होने के बाद निकल जाए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्ज़ी बहुत अच्छे से पक चुकी है, स्टीम पे भी बहुत अच्छे से पक चुकी है, अभी हम इसको ना एक प्लेट में निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए अच्छे से पक चुके, देखिए कितने अच्छे से एक प्लेट में हम इसको निकाल लेंगे। देखिए देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्ज़ी मैंने एक प्लेट में निकाल ली है, देखिए प्याज के साथ और नींबू के साथ इसको सर्व करना है हमें और बहुत टेस्टी लगेगी, और साथ ही साथ ऊपर से थोड़ा मैं हरा धनिया इस पर डाल देती हूँ गार्निशिंग के लिए, देखो बहुत बढ़िया लगेगा ये। देखिए हमारी सुपर टेस्टी और सुपर हेल्दी सब्ज़ी तैयार है, जो टिंडली की और तुर फल्ले की दानों की हमने बनाई है, तो सच में आप लोग सभी लोग इसको बना के देखिए और आपको सच में ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को प्लीज़
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए मेरे वीडियो को, शेयर करिए और बहुत सारा प्यार मुझे दीजिए। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि ये मेरा जो वीडियो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी ही नई नई वीडियोज़ जो है मैं आपके लिए लाती रहूँ और हेल्दी रेसिपी आपको सबको वीडियो मिलती रहे और सबको सारी चीज़ें सीखने को मिलती रहे। क्योंकि हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हेल्दी खाना भी बनाना और खाना भी बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।